कुछ चालाक लोगों ने कहा तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज चल रहा है और तुमने मान लिया, तुमने मान लिया। किन लोगों ने कहा ये चालाक लोग, ये पेंशन देख रहे हो, मैं इसको दो भागों में कर रहा हूँ। ये चंद चालाक लोग इस देश के अंदर 3-5% के लोग, ये 95% लोग, ये बहुजन लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, ये कमा के खाने वाले लोग हैं, ये कमेरे लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये वफादार लोग हैं, और ये किलो में 900 ग्राम तोलने वाले लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, और ये लाचार बेवा परेशान इन पे अत्याचार होता है। कभी सोचा आपने? इन लोगों ने कहा इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज चल रहा है और तुमने मान लिया। इन्होंने मान लिया हमारा ऊपर वाला हमसे नाराज चल रहा है, चलो ऊपर वाले को खुश करेंगे अपनी जेब में। इन्होंने कहा भाई दान दो, दक्षिणा दो, पुण्य करो, खैरात करो, जकात करो, सदका दो, और हमने निकालना शुरू कर दिया। ये लो पैसा, ये लो पैसा, हर जगह चढ़ाना शुरू किया। हमारी जेब से पैसा जाता रहा इस चक्कर में कि हमें ऊपर वाला खुश कर दिया। हमारा ऊपर वाला मुझे नाराज चल रहा है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, झगड़ा हो रहा है, विपन्नता आ रही है। ये बच्चों हमें इसे पकड़ना, शरीर ही तेरा ऊपर वाला उससे नाराज चल रहा है, और ये बेचारे ऊपर वाले को खुश करने के चक्कर में अपने घर का पैसा लगाने लगे, लुटाने लगे। ये धनवान बन गए, ये कंगाल बन गए। ऊपर वाले के नाम पर इन्होंने धंधा किया और ये लुटते रहे। और इन लोगों ने वास्तव में सही कहा, इन लोगों ने वास्तव में सही कहा इन लोगों से, क्योंकि तुम्हारा ऊपर वाला नाराज चल रहा है। लेकिन ये लोग गलत समझ बैठे। इन्होंने सोचा ऊपर आसमान पर, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर कोई ऊपर बैठा है, वहां पर फाइव स्टार होटल बना हुआ बैठा है, फाइव स्टार होटल में कोई कंप्यूटर लेके बैठा है, के नीचे शरीफ का, लतीफ का, हनीफ का, लल्लू राम, पत्तू राम, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, नीचे क्या कर रहे हैं? तुमने सोचा ऊपर कोई बैठा है, लेकिन 50,000 किलोमीटर दूर तक सुनीता विले ने ज्ञात समाज की वैज्ञानिक ज्ञान की उड़ी आई। मंगल ग्रह पे चली गई, सूर्य ग्रह पे चली गई, शुक्र ग्रह पे चली गई, चांद पर भी चली गई, लेकिन वहाँ कोई ऊपर वाला नहीं है, वहाँ कोई मकान नहीं बना हुआ है, कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, सब शून्य ही शून्य है, पानी भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ऊपर वाला वहां नहीं मिला। भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति महोदय भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद साहब वैज्ञानिक थे, वो भी चंद्रमा पे गए, वहाँ वो भी छनी हथौड़ा चला करके आए, वहाँ ऊपर वाला नहीं मिला। इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं है, खाली खाली है, और तुम ऊपर वाले के नाम पर लट रहे हो, लट रहे हो, लट रहे हो। लो लो, तुमने अपनी कमजोरी को नहीं तलाश, इंजॉय में हो ना अभी। ये जो दो आंखों के बीच में यहाँ जो तिलक लगाते हैं, जानते हो क्या लगाते हैं तिलक? ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। समझदार विद्वान जो लोग होते हैं वो है चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन का लेप करते हैं, तो इन दो आंखों के बीच में ये तीसरा विवेक एक दृष्टि होती है, इसको तीसरी आंख बोलते हैं। इसलिए ये माइंड ठंडा रहे, ये तीसरी आंख हमारी जागृत रहे। बल्कि केसर का तिलक करते हैं तो केसर तेज होती है, उसके अंदर उसका बहुत प्रभाव होता है। लेकिन आपने हर चीज को धर्म और भगवान से जोड़ दिया, इसलिए आप लुटते रहे, पिटते रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन इसके खिलाफ आंदोलन चलाया कि ए मेरे समाज के लोगों, ए भारत के बहुजनों, तुम लुट जाओगे, पिट जाओगे। इसलिए इस देश के अंदर बहुत से लोग धर्म परिवर्तन करके शिक्षक बन गए, बहुत से लोग ईसाई बन गए, और बहुत से लोग मुसलमान बन गए। कभी सोचा आपने? बाबा साहब समझाते रहे इसको छोड़ो, ज्ञान अर्जित करो। बाबा साहब ने ज्ञान की बात कही, ज्ञान अर्जित करो। तो इन चालाक लोगों ने इन लोगों को ऊपर वाले में लगा दिया और तुम लुटते रहे, पिटते रहे। और इन्होंने सही कहा कि तुमसे ऊपर वाला नाराज चल रहा है। कौन सा ऊपर वाला? आज मैं तुम्हारा ऊपर वाला तुमको बताने आया हूं। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ऊपर वाला मैं बताने आया हूं। पैर से नीचे से चलो, करते हुए चढ़ते चलो, और शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे कौन बैठा है? माइंड, मस्तिष्क, दिमाग, खोपड़ी, सर, जिसको तुम अपनी भाषा में जो कहते हो, ये है शरीर का ऊपर वाला। प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर वाला ये है, प्रत्येक प्राणी का ऊपर वाला ये है,
इसके ऊपर सब खाली खाली है और यही निर्माण करता है। इसको किसने बनाया? इसने बनाया। इसको किसने बनाया? इसने बनाया। इसने बनाया। और इसको किसने बनाया? ये जर्मन, जापान, लंदन, अमेरिका, बॉम्बे, हर देश प्रदेश के अंदर ये बात करा देता है। मोबाइल पे फोटो भी आ जाता है, इसमें डांस भी आता है। किसने बनाया? किसने बनाया बताना जरा ऊपर वाले ने। हमारी समझ में आ रहा है कोई? ये ऊपर वाले के चक्कर में तुमने बुद्ध की बात को नहीं पढ़ा। अतो भगवती को अपना दीपक स्वयं बनो, अपना विवेक अपने साथ रखो। तुम स्वयं के स्वामी हो, तुम तो गुलाम बने हुए हो। ये है तुम्हारा ऊपर वाला। और ये वास्तव में नाराज चल रहा है इन बहुजनों से। इन बहुजनों से नाराज चल रहा है। मैंने सही कहा कि इनका ऊपर वाला नाराज चल रहा है और नाराज चल रहा है इनसे, क्योंकि इन बहुजन समाज के लोगों ने इसको इसकी खुराक नहीं खिलाई, इसको इसका खाना नहीं खिलाया। जानते हो इसका खाना क्या है? इसका खाना है शिक्षा रूपी पढ़ाई लिखाई, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, ये पांच प्रकार का ज्ञान रूपी खाना। जो लड़का, जो लड़की, जो बुढ़िया, जो बहन, पांच प्रकार का ज्ञान रूपी खाना इसको खिला देता है, उसका ही ऊपर वाला खुश हो जाता है। वही नेता बनता है, अभिनेता बनता है, कॉन्ट्रेक्टर बनता है, अच्छा किसान बनता है, बिल्डर बनता है, आईजी डीआईजी कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, लोग से सलूट मारते सर नमस्कार। और जो इस ऊपर वाले को इसको खाना नहीं खिलाता, इसको गुटखा बीड़ी पान तमाकू झोला मारू खिलाता है, वो क्या करता है? पूरा जीवन इसका ऐसे निकल जाता है, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, क्योंकि उसने ऊपर वाले को खाना नहीं खिलाया, इसको नशा कराया, गुटखा बीड़ी पान तमाकू अधूरा। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा उद्धार? हो जाएगा? ये भाषण सुनकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? हो जाएगा? चले जाओ इंजॉय करके, चले जाओ, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, जय भीम जय भीम, बस हो गया उद्धार, मन की संतुष्टि करके चले जाओगे। लेकिन ये आने वाला भविष्य कैसे तैयार हो, इस भविष्य को कैसे ताकत मिले, कभी इस बारे में सोचा? अरबों करोड़ों रुपया तुम्हारा अंधविश्वास पे खर्च होता है, अरबों करोड़ों रुपया तुम्हारा तुम्हारी बीमारी पे खर्च होता है, जो किडनी फेल होती है, टीबी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, क्योंकि तुम गुटखा बीड़ी पान तमाकू झोला मारू जो पीते हो, इसे कैंसर होता है, डॉक्टर करोड़ों रुपया छीन लेते हैं। फिर कैसे भाई धनवान बनोगे? समाज सशक्त कैसे बनेगा? ये तुम्हारा मैं पैसा बचाने आया हूं। ए भाई बात नहीं करोगे? बात नहीं, ए बहनो बात नहीं करोगे? मेरी तरफ सुनो, रोज पिटाई होती है पीने के बाद में तुम्हारी, सबसे ज्यादा अत्याचार तुम पे है। 500 रुपए कमा कर लाता है, बीच में ठेका पड़ता है, 200 रुपए की दारू पी करके 100-150 पहले जाकर तुम्हें ठीक करता है। नमक ज्यादा डाल दिया तुझे देखता है। मैं आपके लिए तो सोच रहा हूँ, ये लोग आपका उत्पीड़न ना करें उसको पीने के बाद में, और तुम बातें कर रही हो, बातें कर रहे हो। तुम इन बच्चों की निर्माता हो, तुमने इनको जन्म दिया है, इन बच्चों का भविष्य खराब करोगी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। माँ को ज्यादा प्यार होता है अपने बच्चों से, ना अपनी पोतों से ज्यादा प्यार होता है। मैं इनका भविष्य बनाना चाहता हूँ। हमारी तो कटकी, हमारी 50-55 साल की उम्र है, इनकी भी कटकी बूढ़ियों की, ये क्या सुनेंगे मेरी बात? बात तो इनके लिए हो रही है, आने वाले भविष्य के लिए हो रही है, इसलिए आपको मेरी बातें ज्यादा सुननी है, शांति बनाकर रखनी है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो लोग गुटखा बीड़ी पान तमाकू पीते हैं, इसका बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, नशा मुक्त समाज बनाओ, नशा मुक्त समाज, अच्छे समाज का निर्माण करो। करोड़ों का जिम्मे से निकल के जा रहे हैं नशा के नाम पर। और जो मेरी मीटिंग में आता है मैं उसको 21 लाख रुपए देकर के भेजता हूँ, लेकर जाना, लेकर के जाना, अगर मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो, और नहीं चलोगे तो ऐसे जीवन निरर्थक हो जाएगा तुम्हारा। हाथ हाथ घुमाते जाओगे भाई कुछ नहीं हुआ, हम पर तो कुछ नहीं हुआ। सुनो कहां से मिलेंगे तुम्हें 21 लाख रुपए? जो आदमी गुटखा बीड़ी पान तमाकू खाता है, दिन में 10 रुपए की गुटखा खाता है, 10 रुपए डेली से कितने हो गए भाई? 300 रुपए महीने हो गए नहीं हो गए? अब आज तो हो नहीं हुए, और 12 महीने में कितने हो गए? 3,600। और किसी सरकारी कर्मचारी से पूछना उसकी कितनी होती है उम्र, कब रिटायरमेंट होता है? 60 साल बाद। 60 साल तक 3,600 बैंक में डालते रहना, गुटखा बीड़ी पान तमाकू छोड़ना और इनको बैंक में डालना,
60 साल के बाद 21,70,735 रुपए निकलते बैंक से। तुम जल्दी मरने के लिए 21,00,000 रुपए खर्च करते हो, 20 साल पहले मर जाओगे, गुटका बीड़ी पान तमाम ढोला मारू पी होगा। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाओ, मलिक साहब हमारे पास तो पैसा है कोई, तो गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं। ए भाई तुम्हारा तो धंधा चल रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, ये घोड़ा मारू के लिए पैसा कहाँ से आया, जल्दी मरने के लिए पैसा कहाँ से आया, कैसे बच्चों का निर्माण होगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि नशा मुक्त समाज बनाना है। और तुम नहीं मानते हो फिर भी पीते हो, पीने वाले जो बुराई करते मेरे जाने के बाद में, हमें पीने की मना करके गए उनके पास, उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे, पीने वाले नहीं आते मेरी मीटिंग में, तो मैं उनसे भी कहता हूँ खूब पियो, कहके जा रहा हूँ आज खूब पियो। अगर एक बोतल पीते हो तो दिन में 10 बोतल पियो, 5 बीड़ी पीते हो तो 5 बंडल पियो दिन में, 2 सिगरेट पीते हो तो 20 सिगरेट पियो दिन में, जल्दी से खंड कटो, वजन कम हो। और नशा पत्ता करने के 3-4 फायदे हैं। फायदे सुन ले, पीने वाले खूब खूब पिए, इजाजत है आज से खूब पिए। पहला फायदा, जो नशा पत्ता करता है जो व्यक्ति, उसको कभी गाय भैंस पालने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाय भैंस घी के लिए पालते हैं और सुबह से शाम तक वो घी निकालता है, उनमें से निकालता ना पीला पीला, एक फायदा। दूसरा फायदा, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती जो नशा पत्ता करता है, क्योंकि वो रात को खांसता रहता है, चोर समझता है तो जगा हुआ है भाई, नहीं जाएंगे इसके घर में। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, कि कभी उसको कुत्ता नहीं काटता, डॉगी नहीं काटता, नशा करने वाले को कुत्ता नहीं काटता। जब वो रास्ता चलता है तो वह थूकता जाता है, खो खो, तो वो डॉगी कहता है मेरी जाति बात नहीं आ रहा है, इसे टच नहीं करूंगा। चौथा फायदा, जल्दी यमराज से दर्शन हो जाएंगे। ये 4 फायदे अगर जिनको लेने हैं, खूब नशा पत्ता करो, एक एक पीते 50 पियो, एक दिन 50 बोतल पियो 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 पियो, तुम इधर से नहीं मारोगे तो मैं इधर से निकलूंगा, लेकिन छुड़ा के छोड़ूंगा, पियो 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 पियो, फिर कहते फिर तुम्हारी बेटी आप नहीं पियेंगे, फिर तुम क्या जाकर कहते हैं। समाज का सत्यीकरण करना है, सशक्तिकरण करना है। अरे हम तो नेता है, अपने मतलब की बात कहकर चले जाएंगे, इस समाज के बारे में कौन सोचेगा, आवे समझ में ना आवे, आती है नहीं आती है। और माँ बापों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो मैं तुम्हारा भगवान बता के जाता हूँ, आज मैंने पहला भगवान बताया, ये है तुम्हारा भगवान, इसको खुश रखो। दूसरा भगवान, दो ही भगवान मान लेना, तीसरे भगवान की उत्पत्ति कभी नहीं होगी, ना हुई है ना होगी। दूसरा भगवान है आपके माता पिता। भगवान में कितने शब्द हैं? भगवान बे के बे आ ने, भगवान 5 शब्दों से भगवान शब्द बना है। वैसे भूमि, वैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, ऐसे नीर माने पानी, ये जब 5 तत्व मिल जाते हैं वहां भगवान पैदा हो जाता है। अगर एक तत्व भी कम पड़ गया तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तब तुम कुछ भी कर लेना, अगर एक तत्व भी कम होगा। लेकिन ना ऐसा नहीं माने, जो वो कहेंगे 4 लाख लोग हम तो सही मानेंगे, तो गलती उनकी नहीं है, तुम्हारी गलती है। और भगवान का 5 शब्द है भगवान, अब मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर रहा हूँ। भग, भग माने माता और वान माने पिता, माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। अथर्वेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, गीता, कुरान, बाइबल, तौरात, इंजील, जबूर, सारे ग्रंथों में लिखा है कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। लेकिन जैसे ही पिताजी 70 साल के हो जाए, माताजी 70 साल के हो जाए, ये नौजवान मुठिया, नौजवान लड़के क्या कहते हैं, हाँ तो अब तो पिताजी बुड्ढे हो गए, घर में थूकते रहते हैं, टीवी हो गया, कहाँ से बाहर देखो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनका तुम माँ से बाहर देखते हो, उनको बाहर निकाल कर रख देते हो, 10 रुपए की दवा नहीं दिलवाते, मेडिकल से 10 रुपए की दवा नहीं दिलवाते। लेकिन जैसे पिताजी मर जाए, अब तो मुझे समाज में सम्मान बढ़ाना है अपना, अब तो मैं 2 लाख का मृत्यु भोज करूंगा, 50 गांव के पंचों को बुलाऊंगा, मुंडन कराऊंगा, खीर पूरी खिलाऊंगा, जिंदे माता पिता को 10 रुपए की दवा नहीं मेडिकल से, और मरने के बाद में 2 लाख का मौसम मृत्यु भोज,
और जिन्होंने मृत्यु भोज किया 2 लाख का 10 लाख का, मुझे तो आज तक उनके पिताजी का फोन नहीं आया कि भैया हाँ मेरा कमरा ठीक हो गया, एसी का बुक हो गया, मैं ठीक ठाक रह रहा हूँ। आया किसी का आया? अंधविश्वास के नाम पर इतना पैसा बर्बाद करना बंद करो। क्या ये मेरी बात गलत है सही है भैया? पता हाथ उठा के बताओ अगर सत्य है तो, दोनों हाथ उठा के बताओ। ये लेडीज नहीं, थारी नहीं की समझ में आ रही सर, थारी भाषा बोलू क्या चंबली मोड़ा मोड़ी करके बोलू के? हाथ उठा के बताओ जल्दी, दोनों हाथ ऊपर। भैया जरा फोटो ले लेना साहब सिंह जी, कहां है जरा फोटो लेना कि नटना जाए। चंबल के करीब का पानी है, बहुत जल्दी नटे। ले लिया फोटो, दोनों हाथ ऊपर करो। यहाँ से कसम लेकर के जाओगे आज से नशा मुक्ति के खिलाफ। कोई बात नहीं, मेरी आवाज है तो आज से आप शपथ लेके जा रहे हो। बहनों आप भी जब ये घर में लौट कर आए और कुछ पी करके आए तो मुझे नंबर ले लो, साहब सिंह का ले लो, यहाँ का उसका पदम सिंह का ले लो, मुझे बता देना। अगली मीटिंग में नंगा कर दूंगा खड़ा, पंचों के बीच में खड़ा कर दूंगा। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मेरा काम यही है और कोई दूसरा काम नहीं है। 30 साल में ये करना पड़ेगा। मुझे बहुत पहले बोलना चाहिए था लेकिन तुम एंजॉय कर रहे थे, मैं भी देख रहा था, वाच कर रहा था। सब अपने को विद्वान कहते हैं, हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं। समाज को सुधारने की कोई बात नहीं होती। बाबा साहब का पहला मूल मंत्र ये है कि समाज के अंदर से अंधविश्वास और जो कुरीतियां हैं इनका दमन करो, इनका दमन करो और अपने अंदर गुणों को अंदर लाओ, गुणों को अंदर लाओ। जैसे बाबा साहब ने जर्मन, जापान, लंदन, अमेरिका जाकर के BA MA MA LLB LLB डायरेक्टर जेपी मुंबई, इतनी सारी डिग्री जर्मन, जापान, लंदन से हासिल की थी। अगर उनके अंदर इतने गुणवान ना होते और वो भारत का संविधान ना लिखते तो तुम्हारे होटल को खुशहाली ना होता। इसलिए अपने अंदर गुण पैदा करो, अच्छाई पैदा करो, सच्चाई पैदा करो और अच्छे बच्चों का निर्माण करो। अच्छे बच्चों का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, यही आगे चल करके भविष्य बनेंगे। दूसरी बात, भीम आर्मी की मीटिंग में मैं आया हूं, भीम आर्मी के बारे में सुन लो। ये जो भीम आर्मी नाम है, भीम आर्मी एकता मिशन, भीम आर्मी क्यों बनी जानते क्यों बनी? ये जो चालाक लोग हैं, ये जो चालाक लोग हैं, ये 3% चालाक लोग हैं, इनके बहुत संगठन हैं, इनके बहुत संगठन है। अली सेना, करनी सेना, धौली सेना, नीली सेना, पीली सेना, श्रीराम सेना, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहनी, गुरी दुर्गा सेना, RSS संगठन है नहीं है इनके। और फिर इनकी जाति के संगठन है, ब्राह्मण महासभा, परशुराम महासभा, परशुराम सेना, क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय सेना, व्यापार मंडल, अग्रवाल महासभा, अग्रसेन सेना, इनके हजारों संगठन हैं और हजारों इनकी पार्टियां हैं। और इनके जितने भी जातीय संगठन हैं वो लास्ट में आकर के किसको सपोर्ट करते हैं? RSS। किसको करते हैं वो? RSS। RSS का मतलब जानते हो? नहीं जानते। ये चीज, चार चीज जानते हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार है ना, चार ही है। और ये कौन है? तीन, तीन ही है ना, ये चौथा तो वही है ना जिसमें हजारों जातियां भाई, यही है ना है। और ये कौन है? तीन। और इनका नाम क्या? तीनों का क्या नाम है? RSS। RSS ये तीन ही शब्द हैं RSS में, और वो भी तीन ही है, ये भी तीन है और ये भी तीन है। RSS रेशियल सुपर सिस्टम। RSS का मतलब है रेशियल सुपर सिस्टम, उच्च वर्गीय लोगों का संगठन। ये जितने भी संगठन हैं ये उन्हीं आर्यों के संगठन है, आर्यों के, इन अनार्यों के नहीं है। इसलिए अनार्यों का कोई संगठन नहीं था। अनार्यों की बहन बेटी के साथ में अत्याचार होता था, भाई के साथ अत्याचार होता था, पगड़ी चाली जाती थी। और तो और अगर इनमें से कोई जानवर पर बैठकर भी जाता था तो ये तीन लोगों के पेट में दर्द होता था कि जानवर पर क्यों बैठ गया, इसने अच्छी पगड़ी क्यों पहन ली, कोट पैंट क्यों पहन लिया। तो इन तीन लोगों ने तीन नाम का संगठन बनाया है जिसका नाम है RSS, रेशियल सुपर सिस्टम। अब RSS में नाई, गढ़िया, कुम्हार, धीमर, बलाई, बैरवा, रैगर, मेघवाल, घाची, माली, तेली, तनोली, दर्जी, छिपा, सुतार, हारी, गाणा, पाणा, धोबा, केंद्रा, गोखा, तेली, तंती, गौड़, गोपाला, कालबेलिया, साठिया, जाटव, वाल्मीकि, नटवंजारे, सासी, गुजर, यादव, जाट, ये RSS में सदस्य तो मिल जाएंगे, सदस्य तो मिलेंगे।
लेकिन की पोस्ट पर नहीं मिलेंगे। की पोस्ट जानते हो, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलेगा, आरएसएस का मिलेगा क्या, कौन मिलेगा, यही मिलेगा, तीन वाला ही, सिंह साहब मिलेंगे, गुप्ता जी मिलेंगे, वासणी जी मिलेंगे, शर्मा जी मिलेंगे, सदस्य बनेंगे इनमें से और मालिक बनेंगे ये। इसलिए आरएसएस इनको दबाने के लिए काम करता है और तुम आरएसएस को अपना मानते हो। जब हम में से किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, पगड़ी उछाली जाती है, जानवर पर नहीं बैठने देते, तो एक भी आदमी आरएसएस का ये आवाज नहीं उठाता कि इन इंसानों के साथ में क्यों भेदभाव कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई हमारी बहन बेटी को मार भी देता है, भाई को मार देता है, कोई इनमें से इन तीनों में से कोई आवाज नहीं उठाता कि इनके साथ में अत्याचार क्यों कर रहे हो। अगर लेकिन अगर कोई जानवर बंदर भी मर जाता है तो ये आरएसएस के लोग ये क्या कहते हैं, हनुमान जी मारेगा, इसको जेल में भेजो। बात समझ में आ रही है? बंदर के मरने पर रोड जाम हो जाएंगे कि हनुमान जी मारेंगे, इसको जेल में डालो। लेकिन अगर इनमें से कोई बहन के साथ में, आदमी के साथ में अत्याचार होता है तो वो लोग नहीं बोलते। अगर ये पशु को माता कह सकते हैं लेकिन हमारी बहन बेटियों भाइयों को अछूत कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपके ना? निर्भय जब इस देश के अंदर निर्भय कांड हुआ दिल्ली के अंदर, तो सारा ये 3% का मीडिया, तीन जाति के लोग, आरएसएस के लोग, ये पूरे रात दिन टीवी पे चलाते थे निर्भया मारी गई। लेकिन जिस दिन मनीषा वाल्मीकि का कत्ल हुआ, मनीषा वाल्मीकि को मारा गया, प्रदेश सरकार के द्वारा मारा गया, योग बाबा मुख्यमंत्री की रामराज सरकार के द्वारा मारा गया, बलात्कार गुंडों के द्वारा किया गया, लेकिन मुझे आरएसएस नहीं बोली। आरएसएस बोली क्या? क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुत्व की बेटी नहीं थी? इसका मतलब हम लोग बहिष्कृत लोग हैं, हम उनके उसमें दायरे में नहीं आते, हम अछूत लोग हैं, हम शूद्र लोग हैं, हम अनार्य लोग हैं। ये आर्य लोग, ये आरएसएस के लोग इन अनार्यों को ताकत देना नहीं चाहते, इनको सम्मान देना नहीं चाहते। ये सीधी लड़ाई है। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? बात आ रही नहीं आ रही? ये मुंडे में बात बैठे ना बैठे कि नशा कर रखा है, उस बालक नशा तो नहीं करके बैठे। जीती है लड़ाई है। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। तो ये जो भीम आर्मी बनी है, ये 95% के लोगों का संगठन है। आपने क्या बना रखा था पहले? जाटा महासभा, रैगर महासभा, बैरवा महासभा, बलाई महासभा, कुम्हार महासभा, जाट महासभा, कितनी जाति बताऊं, कुर्मी महासभा, कितनी महासभा हर जाति के नाम पर, धोबी महासभा, खटी महासभा, जो बहुजन के लोग हैं अपनी महासभा बना करके वोट बीजेपी को देते थे। तुम्हारा कोई महासागर नहीं था, इसलिए तुम्हारा जो सारे जातीय संगठनों का, जैसे उनके जातीय संगठनों का एक महासागर है आरएसएस, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सारे संगठनों का एक सब जाकर के उसमें मिलते हैं, भीम आर्मी में। भीम आर्मी तुम्हारा सागर है, महासागर है, इसमें मिल जाओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। जब भीम आर्मी का नाम आता है, केरला में आता है, पांडिचेरी में आता है, आपका त्रिवेंद्रम में आता है, वेल्लूर में आता है, कांचीपुरम में आता है, काकीनाडा में आता है, विजयवाड़ा, हैदराबाद में आता है, अनंतपुर, बेंगलोर में, चिकमंगलूर, मंगलूर में आता है, कलकत्ता, आपके झारखंड में, रांची में आता है, भुवनेश्वर में, कटक में आता है, जब पटना और आपके जयपुर में आता है, जोधपुर में आता है, जहां भी भीम आर्मी का नाम आता है वहां 95% के लोगों का सीना गर्व से कालर ऊंचा हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? तो भीम आर्मी आपका संगठन है, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान का संगठन है। जब मनीषा वाल्मीकि मारी गई, तीन लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ, उनको मारा गया, दो मार दी गई उन्नाव के अंदर, क्या आरएसएस बोली? बदायूं में कांड हुआ, बदायूं में दो लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ, मार दिया गया, क्या आरएसएस बोली? बोली बोली तो कौन बोली? भीम आर्मी बोली। भीम आर्मी हमारे लिए बोलती है, हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए बोलती है, भारतीय संविधान के लिए बोलती है, भारतीय संविधान के पक्ष में बोलती है। भीम आर्मी किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। भीम आर्मी संविधान विरोधियों के खिलाफ है, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भीम आर्मी उनके खिलाफ चौराहे पे खड़ी हो जाती है, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, अब नेता हो। आप बताओ ये भीम आर्मी चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? हाथ उठाकर बताओ, पक्का? भैया फोटो ले लो, इनको भी ले लो फोटो, दोबारा फोटो ले लो, ऊपर कर लो भैया। तो ये भीम आर्मी ये आपके मान सम्मान की प्रतीक है,
और इसका और हमारा भाई कौन है? भाई चंद्रशेखर आजाद। काशी राम जी के मरने के बाद बहुजन मूवमेंट भटक गया था, नोटों में बिकना शुरू हो गया था बहुजन मूवमेंट, सब जानते हो आप, जानते सब हो। जब तक काशीराम जी रहे तो बहुजन मूवमेंट चलता था, और जब काशीराम जी नहीं रहे तो एक जन मूवमेंट चलने लगा, और एक जन को बदल करके परवाजन ने कर दिया, नोट लाओ नोट लाओ नोट लाओ, बहुजन चाह कहीं भी जाओ। काशीराम जी एक नारा चलाते थे, क्या काशीराम जी का आंदोलन चलता था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और आज का नारा चलता है, आज नारा चलता है ब्राह्मण बहुजन छोड़ो ब्राह्मण जोड़ो। बात समझ में आवे कब भी ना आवे, ऊपर वाले में आवे ना आवे, मारी समझ में तो आ गई। मैं तो 30 साल वही काम कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा, महाराष्ट्र का रहा, उड़ीसा का रहा, झारखंड का रहा, बिहार का रहा, दिल्ली का रहा, हरियाणा का रहा, पश्चिमी यूपी का रहा, और राजस्थान का तो काफी समय से स्थायी था। एक एक चीज का अनुभव है ना। तो भीम आर्मी काशीराम जी का सपना, काशीराम जी का दीपक बुझना जाए, इसलिए भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद ने बनाई कि मैं काशीराम जी के इस सपने को, इस मिशन को, इस दीपक को नहीं बुझने दूंगा। इसलिए एक नारा लग गया, काशीराम जी का मिशन अधूरा भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी करेगी पूरा। तो काशीराम जी का मिशन चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए आप बताओ? काशीराम जी बहुजन बनाते थे, बहुजन जानते हो, नाई गर्दिया कुम्हार धीमर यादव गुजर कुशवा सबको जोड़ते थे। देखो सबसे पहले एमपी कौन बनाया था मध्य प्रदेश में जानते हो बाबू? वो था सुखलाल कुशवा। सुखलाल कुशवा को बनाया था और अर्जुन सिंह को हराया था सतना से। कहीं वो पटेल को लड़ाते थे, कहीं कुम्हार को लड़ाते थे, कहीं नाई को लड़ाते थे। हीरा ठाकुर को एमएलसी बनाया नाई के लड़के को। रामविलास वाल्मीकि बिगड़ एमएलए के मिनिस्टर बनाया, जो लेखराज मार्केट में हजरतगंज महल के पास में लेखराज मार्केट में लखनऊ के अंदर पॉलिश करता था जूतों पर, उसको उठा करके बिगड़ एमएलए के मंत्री बना दिया काशीराम जी ने। काशीराम जी बहुजन नायक थे, लेकिन आज तो परवाजन चल रहा है, लाओ नोट लाओ नोट। इसलिए ये बहुजन समाज का मिशन खत्म ना हो जाए, ये बहुजन समाज की शान चली जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जिंदा रहे और ये बहुजन बन जाए तो हम हुक्मरान बन जाएंगे। अगर हम एक जन बन गए तो हम कभी हुक्मरान नहीं बन सकते। ऐसा समझ में आए तो दूसरी तरफ से समझो। एक मनवादी पंडित जी क्या कहते हैं, जब उनको हुक्मरान बनना होता है, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, तो हिंदू के नाम पर क्या करते हैं वो, नाई गडरिया कुम्हार धीमर बलाई भैरवा जाटव वाल्मीकि, यानी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू का जाल फेंक करके सबको हिंदू बना करके और अपने पक्ष में वोट डाल करके ये 3% के लोग ये हुक्मरान बन जाते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे केजरीवाल दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल भी अग्रवाल का बेटा है, बनिए का बेटा है ना, है? उसने एक नारा दिया हुक्मरान बनने के लिए दिल्ली के अंदर। हाँ भाइयों, आम आदमी की सरकार आएगी, ये झाड़ू लेकर के आया हूँ, आम आदमी की सरकार आएगी, मकान बनाने वाला राजा बनेगा, झाड़ू लगाने वाला राजा बनेगा, रिक्शा चलाने वाला राजा बनेगा, पकौड़ी बेचने वाला राजा बनेगा, सब्जी बेचने वाला राजा बनेगा, ऑटो चलाने वाला राजा बनेगा, रिक्शा चलाने वाला राजा बनेगा, साइकिल वाला राजा बनेगा। सबके दिमाग में बैठ गई, भाई ये आदमी अच्छा है, ये तो सबको राजा बना रहा है, आम आदमी राजा बनेगा। सब फंस हो गए और सबने दे दे झाड़ू पर वोट, दे झाड़ू दे झाड़ू, आम आदमी। और जैसे ही वोट पड़ा और उसका स्पष्ट बहुमत आया तो राजा कौन बना, खास आदमी अग्रवाल का बेटा, किलो मनोसा काम तोड़ने वाला, नारा आम आदमी का और हुक्मरान खास आदमी का। समझ में आ रही है बात? थारी समझ में ना आवे, काशीराम जी यही समझाते थे, हुक्मरान बनो, हुक्मरान बनो, नाई गडरिया कुम्हार धीमर जाटव वाल्मीकि मुसलमान, इनको सबको साथ जोड़ो, अकेले चलाओगे तो पिटोगे, और बहुजन बनोगे तो हुक्मरान बनोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपके नारी? तो एक एक मित्र बनाना शुरू करो कल से, अदर जाति जो तुम्हारी मानसिकता का हो, तुम्हारे विचार का हो, ये काम करना शुरू करो तो तुम हुक्मरान बनोगे। और भीम आर्मी को तैयार करो, भीम आर्मी को तैयार करो। ठाकुर तो गए हो, अब वो बेचने वाले जो बहुजन मूवमेंट को बेचने वाले थे, अब तो वो यूपी में भी नहीं रहे, नहीं रहे, अब तो वहां भी जा रहे, और यहां तो भागे गए छे, भागे ना भागे,
इसलिए आप ये मिशन बिकना जाए, ये मिशन अपना तैयार हो जाए, इस मिशन को बचाने के लिए भीम आर्मी बनी है। तो आप तैयार हो भाई साहब, आप लोग भीम आर्मी के लिए पक्का? एक बार और तीसरी बार हाथ उठा दो, पक्का है भाई साहब? तो मैं अब नहीं बोलूंगा, मुझे आगे जाना है, मेरा समय इन लोगों ने ले लिया, मेरा नहीं लेना चाहिए समय।